अब दो दिन के लिए इसे ऐसे ही फिल्टर ऑन करके, और जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने सारी दवाइयाँ डाल दी हैं और थोड़ा सा एनसीएफ पाउडर भी डाला है, और दो दिन के लिए इसे इसमें फ़िल्टर चालू करके छोड़ देंगे और दो दिन बाद देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है, इसका कलर और वाटर की क्लियरनेस कैसी हो जाती है। अभी मैं इसका एक मिनट रुकिएगा, लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि अभी ये कैसे दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टू डेज बाद देखते हैं कि एक्वेरियम कैसा दिखता है। और अभी इसमें फिशिस कोई भी मैंने नहीं डाली है, दो दिन बाद ही फिश डालूंगा। तो अभी लाइट जला के दिखाते हैं, और अभी इसी ही वीडियो में दो दिन बाद का भी वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसी में ही रहेगा। अभी आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। अभी इसमें मैंने ढक्कन भी लगा दिया है और लाइट भी लगा दिया हूँ। अभी देखिए पानी कितना धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो और इसमें मैंने एंटीज डाली जिसका कलर ब्लू होता है, और एंटी क्लोरीन डाली जिसका कलर हल्का ग्रीन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा एनसीएफ पाउडर भी डाला है। अब इसका अभी देखते हैं, थोड़ी देर बाद मैं एक्चुअल में वीडियो कल अभी बनाऊँगा और इसमें ऐड करूँगा। तो कल नेक्स्ट डे देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होती। तो आप लोग देख रहे हैं कि अब ये दूसरा दिन है आज इसका, और इसका पानी अच्छा खासा साफ हो गया है जो कि आप लोग देख रहे हैं। और अभी ये कल और साफ़ हो जाएगा, लेकिन आज ही मैं इसमें फिश डाल दूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़्यादा देरी नहीं करूंगा कि इसमें फिश डालने के बाद ये कैसा दिख रहा है। जो मैं इसमें फिश डालने वाला हूँ वो गोल्ड ग्रुप है। इसमें ये टैंक थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से इसमें मैं गोल्ड के साथ में कॉर भी डाल दूंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं देख रहा डालता हूँ अभी ये फिश और दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा दिख रहा है। फिश डालने के पहले सबसे पहले इसका टैंक निकालेंगे। फिश का बैग ये देखिए, फिश में कौन कौन सी फिशेस हैं। रेड कैप है, गोल्ड है और कॉर्प है मिल्की। अब इसे इसी में छोड़ देंगे। मैं करीब 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देता हूँ इसको। देखते हैं और इसमें डाल देते हैं, लाइट जला के आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्वेरियम कैसा दिख रहा है। इस एक्वेरियम का पानी एकदम से साफ है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप पुराना पानी इसमें ना डालें जो फिश के साथ का है। इसके लिए सिर्फ आपको फिश को नेट से पकड़ के ही बाहर कर देना है बस। और इसमें से पहले से कोई मछलियां नहीं है तो मछलियों को खाना देने की जरूरत नहीं है, उनका भी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कैसा लग रहा है। जो इसमें मैंने लाइट का यूज़ किया है वो LED लाइट है, और इस टैंक की कीमत है, इस पूरे एक्वेरियम की कीमत मैंने 8,000 रुपये रखी है। इसकी जो लंबाई है वो 3 फीट की है और हाइट है वो 18 इंच है। इसमें एक्रेलिक का ब्लू कलर का टॉप लगा हुआ है और सोबो का 1000 फिल्टर लगा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।